In today's lecture, we are going to perform EDA analysis using Python. EDA से related जो basic information थी वो हम कल discuss किए हैं. आज के इस lecture में हम Python में देखेंगे कि EDA analysis को कैसे proceed करें. उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि EDA क्या होता है. EDA का मतलब है exploratory data analysis. Data analysis है और exploratory है means explain के साथ है या deep आपकी स्टडी होती है, डीप एनालिसिस होता है जिसकी बेस पे आप डेटा सेट की एनालिसिस के बाद जो भी आउटपुट आती है उसको आप यूटिलाइज करते हुए और डेटा से रिलेटेड इनसाइट्स जो हैं या प्रेडिक्शन जो हैं, तो हमें ये पता लगता है कि जो ईडीए है वो आपका इज अ प्रोसेस टू समराइज एंड एनालाइज डेटा. अब डेटा को आप एनालाइज करते हैं और समराइज करते हैं और ये आपका डेटा एनालिसिस का ईडीए जो है वो एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप होता है. ईडीए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रोसेस है और मेथड है जो कि आपके इंपॉर्टेंट फीचर्स जो होते हैं डेटा सेट से रिलेटेड उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट करता है और इसके अलावा ये जो डेटा सेट की इनसाइट्स को देखने के लिए और डेटा सेट की इनसाइट्स को देख के फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए यूज होता है, प्रेडिक्शन के लिए यूज होता है ये. लेकिन पाइथन में जो हम ईडीए एनालिसिस प्रोसीड करते हैं वो हम पांडास लाइब्रेरी को यूज करते हैं. इन पाइथन पांडास लाइब्रेरी इज यूज्ड टू प्रोसीड ईडीए. आपकी जो पाइथन में पांडास की लाइब्रेरी है वो यूज होती है ईडीए एनालिसिस को प्रोसीड करने के लिए. स्टेप्स इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं हम देखते हैं. ईडीए के सेवरल स्टेप्स हैं और इनको हम स्टेप बाय स्टेप अगर डिस्कस करें तो सबसे पहले हमारा स्टेप आता है इंपोर्टिंग लाइब्रेरीज का. आपने सबसे पहले लाइब्रेरीज जो है वो इंपोर्ट करनी है, उसके लिए जो नेसेसरी है. सेकेंड स्टेप आता है लोड डेटा सेट का और डेटा सेट को लोड हम किस तरीके से करते हैं ये हमें पता है. उसके बाद थर्ड स्टेप जो आता है दैट इज ओवरव्यू ऑफ डेटा. इस डेटा के ओवरव्यू में क्या होता है, आपने डेटा की स्ट्रक्चर देखनी है और इसमें आपका ये होता है कि डेटा की नंबर ऑफ रोज कितनी है, कॉलम्स कितनी है, उसमें डेटा टाइप क्या है, आपने ओवरऑल डेटा की स्ट्रक्चर देखनी है. डेटा का ओवरव्यू करने के बाद आपको डेटा की सारी इन्फॉर्मेशन हो जाती है, डेटा की स्ट्रक्चर का पता लग जाता है और एक सेंस आ जाती है डेटा की. उस डेटा की सेंस के अकॉर्डिंग आपने अपने डेटा की क्लीनिंग करनी होती है. डेटा क्लीनिंग यानी कि इसमें आप हैंडल करते हैं जो आपकी मिसिंग वैल्यूज होती हैं, आउटलायर होता है, डेटा को नॉर्मलाइज करते हैं. उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आपका डेटा क्लीनिंग के बाद आता है प्रोसेस डेटा विजुअलाइजेशन का. डेटा विजुअलाइजेशन में क्या किया जाता है कि आप अपने डेटा की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं. इसमें प्लॉट्स बनाए जाते हैं, चार्ट्स बनाए जाते हैं और डेटा को विजुअलाइज किया जाता है और इसमें डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन देखी जाती है, कोरिलेशन चेक किया जाता है कि डेटा के जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर रहे हैं. जैसे हमने लास्ट क्लास में पेयर प्लॉट्स बना के देखे थे और दूसरे डिफरेंट चार्ट्स बना के देखे थे जिनको हम प्लॉट्स बोलते हैं, तो उन प्लॉट्स की बेसिस पे हम किस तरीके से डेटा को कोरिलेट करते हैं इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाता है. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं तो आप ये समझते हैं कि आपका डेटा जो है अब वो रेडी फॉर प्रेडिक्शन है. हम यहाँ पे कह सकते हैं डेटा रेडी फॉर प्रेडिक्शन. स्टेप इन्वॉल्व प्रिपेयरिंग द डेटा फॉर मॉडलिंग बाय इनकोडिंग कैटेगोरिकल वेरिएबल, स्केलिंग एंड नॉर्मलाइजिंग न्यूमेरिकल वेरिएबल. अब इसमें आपका डेटा जो है वो मॉडलिंग के लिए रेडी है. अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सबसे पहला हमारा स्टेप आता है इंपोर्टिंग लाइब्रेरीज का. इंपोर्टिंग लाइब्रेरीज में सबसे पहले जो लाइब्रेरीज हमने इंपोर्ट करी उसमें आती है इंपोर्ट पांडास एज पीडी, इंपोर्ट नंबर एज एनपी, इबॉन एज एसएनएस, इसके बाद इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एज पीएलटी. हमारी लाइब्रेरीज जो हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स इंपोर्ट हो जाएंगी.
अब हमने इंपोर्ट कर ली लाइब्रेरी, सेकेंड स्टेप है हमारा लोड डेटा सेट। अब डेटा सेट हम कौन सा लोड करने वाले हैं, इसमें SNS डॉट लोड डेटा सेट, और डेटा जो हमने लोड करना है दैट विल बी ऑफ टाइटैनिक। टाइटैनिक का डेटा सेट हमने इंपोर्ट करना है। अब इसमें अगर मैं इसको एक डेटा फ्रेम का नाम दे दूं या कह दूं DF इक्वल्स इस डेटा सेट, और DF को यहां पे मैं एग्जीक्यूट करवाऊं तो फिर मेरा वही डेटा सेट आना है। अब यहां पे हमने ओवरव्यू करना है डेटा को कि इसमें कौन कौन सी चीज मौजूद। डेटा से रिलेटेड हम सबसे पहले देखें तो हमारा रेंज इंडेक्स है। रेंज इंडेक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज होती हैं और इंडेक्स के अकॉर्डिंग जीरो से स्टार्ट की जाती है, जो कि पाइथन की तरफ से ये डिफॉल्ट रेंज इंडेक्स दिया जाता है, ये हम काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद सर्वाइव्ड है, पी क्लास, सेक्स, एज, सिब एसपी, पार्स, फेयर, इम्बार्क, क्लास, हु, अडल्ट मेल, टेक, इम्बार्क टाउन, अलाइव, अलोन। अब ये हमारा डेटा सेट जो है, इसमें जो वेरिएबल्स हैं उनके नेम हमने पढ़े हैं और वेरिएबल को देखा है, लेकिन वेरिएबल्स को समझने से पहले हमें टाइटैनिक नेम से पता लग जाता है कि टाइटैनिक का डेटा सेट किस चीज को बताता है। अब टाइटैनिक का डेटा सेट एक ऐसा डेटा सेट है जो कि एक बोट रास्ते में जाते हुए वो पानी में डूब गई, जिसकी वजह से जो वहां उस बोट में पैसेंजर्स थे उनमें से कितने जिंदा बचे, कितने पैसेंजर्स थे टोटल, कौन कौन सी क्लास थी जिसमें वो ट्रेवल कर रहे थे, तो ये सारा डेटा जो है कलेक्ट किया गया है और उसी को समराइज किया। अब यहाँ पे सबसे पहले सर्वाइव, सर्वाइव में कैटेगोरिकल टाइप डेटा है, पैसेंजर सर्वाइव कर गए थे, इनमें मेल, फीमेल और चिल्ड्रंस भी शामिल हैं, और इसके अलावा आपके हर एज ग्रुप का डेटा मौजूद है। उसके बाद पी क्लास है, पी क्लास फॉर पैसेंजर क्लास, जिसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्लास होती है, और फर्स्ट को 1 से, सेकेंड को 2 से और थर्ड को 3 से रिप्रेजेंट किया गया है। सेक्स में मेल और फीमेल ही होते हैं, ये कैटेगोरिकल डेटा है। एज में आपके पास पैसेंजर्स बोर्ड किए हुए थे, उस बोर्ड पे उनकी एज डिटेल है। उसके बाद सिब एसपी क्या है, सिब एसपी इज सिबलिंग एंड स्पाउस। सिबलिंग होते हैं आपके छोटे बहन भाई, और स्पाउस क्या है, स्पाउस मीन्स आपके मैरिटल रिलेशनशिप में जो आते हैं फियांसी और हस्बैंड या वाइफ वाला जो रिलेशन। उसके बाद पार्च क्या है, पार्च है पेरेंट और चिल्ड्रन डिटेल, और आपके पास फेयर आ जाता है, फेयर जो है विद रिस्पेक्ट टू आपकी क्लास होता है, जो जिस क्लास में आप ट्रेवल कर रहे हैं। इम्बार्क जो है जो डिपार्चर एरिया है, एरिया के नेम का फर्स्ट कैपिटल लेटर, क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड उन्होंने यहाँ पे स्पेसिफिक डिफाइन किया है। हु में आ जाते हैं मैन, वुमेन और चिल्ड्रन, और अडल्ट मेल में क्या है कि अगर तो मेल है तो क्या वो अडल्ट है या नहीं, दैट मीन्स आपकी सीट के अकॉर्डिंग टिकट। इम्बार्क टाउन क्या है, इम्बार्क टाउन इज द डिपार्चर एरिया। अलाइव जितने जिंदा बचे, और अलोन जो अकेले रह गए जिनके पेरेंट्स या स्पाउस या आप कह दें कि चिल्ड्रंस जो थे वो इस एक्सीडेंट के बाद कितने बच्चे जो थे वो अकेले रह गए। अब इसमें अगर हम देखें तो रेंज इंडेक्स से भी हमें पता लग रहा है, बट यहाँ पे हमें देखने से 891 रोज और 15 कॉलम्स इसमें मौजूद हैं। अब यहाँ पे हमने ओवरव्यू कर लिया कि इसमें हमारे पास कितने नंबर ऑफ रोज हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, वेरिएबल्स क्या हैं और उनमें वैल्यूज कौन कौन सी। अब इसमें हम देखते हैं कि डेटा टाइप्स कौन कौन सी हैं, df डॉट डी टाइप्स, और इसमें मुझे पता लग जाएगा कि डेटा में जो हर कॉलम में जो वैल्यू दी गई है वो कौन कौन सी। डेटा टाइप आ गई इधर इंटीजर, सर्वाइव्ड में पी क्लास में भी इंटीजर, सेक्स में ऑब्जेक्ट टाइप, एज फ्लोट नंबर है, सिबलिंग स्पाउस में भी इंटीजर है, पेरेंट चिल्ड्रन में भी इंटीजर टाइप है, फेयर जो है वो फ्लोट नंबर में है, इम्बार्क जो है वो ऑब्जेक्ट है, क्लास में कैटेगरी है, हु जो है वो ऑब्जेक्ट टाइप है, अडल्ट मेल जो है वो बूलियन टाइप है डेटा, टेक में कैटेगरी है, इम्बार्क टाउन में ऑब्जेक्ट है, अलाइव में भी ऑब्जेक्ट है और अलोन में बूलियन टाइप डेटा है। अब हम देखते हैं डेटा की इन्फो, df डॉट इन्फो। df डॉट इन्फो हमें क्या बताएगी, ये इन्फो से रिलेटेड ये कमांड हमें डेटा फ्रेम में मौजूद हर चीज के मुतल्लिक डिटेल इंफॉर्मेशन दे। सबसे पहले हमें बता रही है कि ये क्लास जो है वो पांडा से क्रिएट किया गया डेटा फ्रेम है। रेंज इंडेक्स इसी 891 एंट्रीज हैं जो कि 0 से 890 तक जा रही हैं। डेटा कॉलम्स आपके टोटल 15 हैं, ये 15 कॉलम्स लिखे हुए हैं, और 15 कॉलम्स की रेंज जो है वो 0 से 14 तक है, और हर एक में जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो बताई गई हैं। अब नंबर ऑफ वैल्यूज में नॉन नल काउंट की गई है। नॉन नल का मतलब क्या है, नॉन नल मींस नॉट नल,
नॉट नल मीन्स ऐसी वैल्यूज जो कि नल नहीं है। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप एक डाटा सेट क्रिएट कर रहे हैं और उसमें एक कॉलम में एक सेल ऐसा है जिसमें आपने वैल्यू नहीं ऐड की, तो वो वैल्यू आपकी कंसीडर की जाएगी जब आप ग्राफ बना के उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो जो सेल होगा उसमें वैल्यू कंसीडर की जाएगी नल वैल्यू, यानी कि आपने वैल्यू तो ऐड ही नहीं की उसमें। तो बाकी के सेल्स जो होंगे वो नॉन नल वैल्यूज वाले सेल्स होंगे, लेकिन जिस सेल में आपने वैल्यू ऐड नहीं की दैट विल बी ऑफ नल वैल्यू। यहाँ पे आपके पास वो तमाम वैल्यूज दिखा देता है जिनमें नल वैल्यूज नहीं है, जो नल वैल्यूज होंगी वो उसमें से एक्सक्लूड कर देगा। अब हमें ये टोटल इसका पता है कि कितने नंबर ऑफ रोज हैं, 891 रोज है, इट मींस कि 891 रोज में ही डेटा होना चाहिए। अब यहाँ पे 891 ओके 891 बट यहाँ पे 714 है, इट मीन्स के 714 आपकी नॉन नल वैल्यूज को शो करता है। अब आपको ये देख के पता लग जाएगा कि आपके डेटा सेट में जो एज वाला कॉलम है उसमें कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनमें नल वैल्यूज इंक्लूड। इसके अलावा यहाँ पे हम नीचे जाते जाएंगे तो इम्बार्क है, इसके बाद यहाँ पे डेक है और इम्बार्क टाउन है जिसमें आपकी नल वैल्यूज मौजूद हैं। बाकी सारे का सारा डेटा सेट जो है उसमें नंबर ऑफ रोज के अकॉर्डिंग 891 ही सेल्स हैं जिनमें नॉन नल वैल्यूज इन्वॉल्व हैं। उसके बाद डेटा टाइप हम कंसीडर कर चुके और इसकी ओवरऑल डेटा टाइप्स आपको यहाँ पे पता लग जाएंगी और ये आपको मेमोरी कितनी यूज की है इसने वो पता लग जाएगा। इसमें नल वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, नल वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं इज नल वाला फंक्शन। इज नल वाला फंक्शन जो होता है वो क्या करता है, वी कैन यूज इज नल फंक्शन टू फाइंड आउट द नल वैल्यूज। नल वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम नल वाला फंक्शन वो लिख देंगे। हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट की है, ये जो हमें कोड दिखा रहा है कोपायलट इसको हम यूज नहीं करेंगे। हम यहां पे लिखेंगे जी df में जो नल वैल्यूज हैं इज नल, वो वैल्यूज हमें दिखा, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया तो यहां पे ट्रू और फॉल्स की सूरत में मुझे नल वैल्यूज जो है वो शो कर देगा। ट्रू विद इन एनी कॉलम कॉलम सेल देन इट मींस के देयर एग्जिस्ट एनी नल वैल्यू इन दैट कॉलम, और अगर फॉल्स लिखा है इट मींस देयर इज नॉट एनी नल वैल्यू। अब ये है आपका मेथड अपनी नंबर ऑफ नल वैल्यूज को देखने का। अब ये तो हमें पता लग गया कि नल वैल्यूज हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि स्पेसिफिक कॉलम में कितने नंबर ऑफ नल वैल्यूज हैं। उसके लिए हम यहां पे लिखते हैं हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ नल वैल्यूज within a column। अब null values find करने के लिए हमने क्या लिखना है, df dot is null, जो null values आई हैं उनका हमें sum बता दे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे dot sum और इसको मैं execute करूँगा तो यहाँ पे मुझे ये number of null values दिखा देगा। इसमें age है उसमें 177 आ रही हैं null values, embark में 2 हैं, डेक में 688 हैं और इम्बार्क टाउन में 2 ही नल वैल्यूज हैं। अब हमें ये पता लग गया कि नल वैल्यूज कितनी हैं। अब हमें ये देखना है कि आपके डेटा सेट में कितने परसेंट वैल्यूज जो हैं नल वैल्यूज हैं या मिसिंग वैल्यूज हैं। हाउ टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिसिंग वैल्यूज, तो इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, मिसिंग वैल्यूज की जो परसेंटेज है उसके लिए हम जो एवरेज वाला फार्मूला है वो यूज करते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हम यहां पे लिखेंगे df डॉट इज नल, जो नल वैल्यूज आ गई हैं उनका सम जो हमने फाइंड कर लिया है उसको डिवाइड कर देना है हमने लेंथ ऑफ df से, डेटा फ्रेम की लेंथ से, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। अब इससे क्या होता है, ये आपका प्रोसेस है एवरेज फाइंड करने का, जो आपकी नल वैल्यूज आ गई हैं उसको आप लेंथ ऑफ डेटा फ्रेम, लेंथ ऑफ डेटा फ्रेम मतलब टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज विद इन अ वेरिएबल और विद इन अ कॉलम। अब ये नंबर ऑफ वैल्यूज जो हैं एज पर नंबर ऑफ रोज होती हैं, तो लेंथ ऑफ डेटा फ्रेम क्या होता है, दैट इज इक्वल द नंबर ऑफ रोज इन द डेटा सेट, तो उस पे हमने डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ, तो हमारा रिजल्ट जो आ गया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 19 पॉइंट समथिंग जो परसेंट है वो एज की है, नल वैल्यूज 0.2%,
इम्बाक की 0.2%, इम्बाक टाउन की, और डेक जो है वो हमारा 77.21%। नल वैल्यूज को फिक्स करने से पहले ये देखा जाता है और ये ऑब्जर्व किया जाता है कि आपकी जो परसेंटेज है नल वैल्यूज की मोर देन 70% हो जाए तो आप उन नल वैल्यूज वाले कॉलम को ड्रॉप कर देते हैं, अपने डेटा सेट की आउटपुट क्रिएट करते हो। इस सिचुएशन में जब आपका ज्यादा कंसर्न उस डेटा सेट में मौजूद वेरिएबल से ना हो, ओके। और सेकंड थिंग, इसकी एक अदर आप साइड देख लें, अगर फॉर एग्जांपल आपके एज वाले कॉलम में मेजॉरिटी ऑफ द केस जो है वो नल वैल्यूज हो, लेकिन आपका डेटा जो हो वो आप उसकी इनसाइड जो है वो नल वैल्यूज की बेस पे नहीं, जब बल्कि आपके वेरिएबल में मौजूद जो वैल्यूज हैं उनकी बेस पे करना चाह रहे हैं, इट मींस कि आपका वेरिएबल डेटा की फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए वो जरूरी है, आप उस कॉलम को इग्नोर या ड्रॉप नहीं कर सकते। सिंपल वर्ड्स में हमारा ये जो डेक का कॉलम है इसमें 77% जो नल वैल्यूज हैं, दैट इज मोर देन 70% ऑफ नल वैल्यूज, तो हम इस डेटा सेट में ये जो आपका डेक का वेरिएबल है इसको हम ड्रॉप कर देंगे, और बाकी की जो तीन वैल्यूज हैं एज, इम्बाग और इम्बाग टाउन, इनकी वैल्यूज को हम किस तरीके से चेंज करते हैं वो देखते हैं। ये आपका ब्लैक बॉक्स का एआई चैट बॉक्स ओपन हो जाता है, ये आपको डिफाइन कर देता है, लेकिन हम इसको यहाँ से क्लोज करेंगे और खुद देखेंगे इसको हम कैसे डील करते हैं। इसके लिए एक प्रोसेस यूज होता है जिसको हम नेम देते हैं इम्प्यूटेशन का। इम्प्यूटेशन जो है वो आपका प्रोसेस है टू रिप्लेस द नल वैल्यूज विद द एस्टिमेटेड और फाइंडिंग द बेस्ट वैल्यूज बाय यूजिंग द नंबर ऑफ डेटा सेट्स और नंबर ऑफ वैल्यूज इन्वॉल्व्ड विद इन दैट कॉलम। यानी कि अगर आप एज वाला कॉलम यूज कर रहे हैं और उसके नल वैल्यूज को आप फिक्स करना चाह रहे हैं, रिप्लेस करना चाह रहे हैं, तो आप एज वाले कॉलम की वैल्यूज को ही यूज करते हुए कोई मेथड यूज करेंगे और उस मेथड के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी उसको फाइंड करके आप उसकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे नल वैल्यू की जगह। तो हम यहां पे इंप्यूटेशन को बोल देते हैं द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग द नल वैल्यूज विद इन अ सूटेबल वैल्यू बाय यूजिंग वैल्यूज ऑफ या बाय यूजिंग द नॉन नल वैल्यूज ऑफ सेम वेरिएबल। इसको हम इम्प्यूटेशन बोलते हैं और इसके सेवरल मेथड्स हैं, और इसमें जो सबसे पहला मेथड है दैट इज मीन इम्प्यूटेशन, और उसके बाद सेकंड जो है वो है मीडियन इम्प्यूटेशन, थर्ड वन इज मॉड इम्प्यूटेशन। अब ये तीन मेथड्स हैं आपके जो इम्प्यूटेशन के लिए यूज हो। अब हम इसमें देखते हैं कि मीन क्या होता है, और मैं एक डेटा सेट क्रिएट करता हूं यहां पे। मीन को हम एवरेज भी बोलते हैं, मीन हमारा एवरेज ही होता है, और एवरेज हम कैसे फाइंड करते हैं, एवरेज फाइंड करने के लिए हमारे डेटा सेट में मौजूद जो वैल्यूज हैं उनका सम। अब इसमें अगर मैं सम देखूं तो सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ डेटा सेट वो किसके इक्वल होता है, तो मैं अब यहां पे लिख लेता हूं सम जो आ गया मेरा वो 340 के इक्वल है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो है 1 2 3 4 5 6 7 के इक्वल है। अब इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं, डिवाइड करने पे मेरे पास आंसर जो आता है, इधर हम डिवाइड कर लेते हैं, 340 डिवाइडेड बाय 7 ये इक्वल आता है मेरा 48.5 के। तो हम प्रोसीड नहीं करते यहां पे, डिवाइड ऐसे नहीं करते, इधर लिख देते हैं 48.5 के। आपकी मेन वैल्यू क्या आ गई, मेन इज इक्वल टू 48.5। मीडियन पहले देख लें कि क्या होता है। मीडियन जो होता है वो आपके डेटा सेट में मौजूद ऐसी वैल्यू होती है जो कि आपके डेटा सेट की वैल्यूज को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर ये एक सर्कल में बनाऊं, इस सर्कल में एक ऐसी लाइन जो कि इस पूरे सर्कल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे जिसको हम डायामीटर बोलते हैं, उसी तरीके से ये आपका अगर डेटा है इसमें मौजूद ऐसी वैल्यू जो कि आपके डेटा सेट को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे
उसको आप बोलते हैं कि ये आपके डेटा सेट की मीडियन वैल्यू है, एनी वैल्यू विद इन द डेटा सेट, विद इन द डेटा सेट दैट डिवाइड्स द डेटा इंटू टू इक्वल हाफ्स। अब यहां पे हमारे पास ये डेटा सेट है, लेकिन उस डेटा के मीडियन वैल्यू फाइंड करने से पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो होगा डेटा को एक सीक्वेंस में लिखना। सीक्वेंस डेटा बनाना है, उसे सीक्वेंस कौन सा होता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी नाइन्टी एंड हंड्रेड, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 नंबर ऑफ वैल्यूज हमारी इक्वल है। अब यहां पे हमने मीडियन फाइंड करना है। मीडियन फाइंड करने का जो सिंपल मेथड है वो ये है कि आप लेफ्ट साइड से एक वैल्यू कट कर दें, एक राइट साइड से, फिर लेफ्ट साइड से, फिर राइट साइड, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, जो सिंगल वैल्यू बच जाए तो वो आपकी जो वैल्यू होती है वो आपकी मीडियन वैल्यू बन जाती है। क्योंकि अगर मैं इसको इधर मीडियन वैल्यू कह देता हूं तो यहां पे आपके लेफ्ट साइड में कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज रह जाती हैं और राइट साइड में कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज रह जाती हैं। अब यहां पे भी नंबर ऑफ वैल्यूज 3 हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज 3 है, और इधर भी नंबर ऑफ वैल्यूज 3 है। इट मींस दोनों साइड पे इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज आ गई। इट मींस कि इस वैल्यू ने दोनों साइड की जो वैल्यूज हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर तो आपके नंबर ऑफ वैल्यूज ऑड हैं, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑड हैं, तो आप इस तरीके से कट कर देंगे। लेकिन अगर आपकी नंबर ऑफ वैल्यूज इवन हो, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं अगर डेटा लिख दूं 10 20 30 40 50 60 90 एंड 100, अब हमारी नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो आगे इवन। जब इवन नंबर्स आ जाए तो फिर क्या करना है। अब इवन नंबर्स आ गए, आपने एक वैल्यू इधर से काट दी, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, अब दरमियान वाली दोनों वैल्यूज आ गई हैं। अब हम इन दोनों को काट नहीं सकते। अगर काट नहीं सकते तो क्या करना है, हमने इन दोनों वैल्यूज का काउंट करना है एवरेज। एवरेज कैसे काउंट करेंगे, हम एवरेज काउंट करेंगे 40 और 50 को प्लस करके, और इसको हम नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो 2 इस पे डिवाइड कर देंगे। दिस इज 90/2, तो 90/2 आ जाता है हमारा 2 4s are 8 एंड 2 5s are 10, 45। आपका 45 जो होगा इस सूरत में मीडियन होगा। और अगर आप देखें तो 45 इन दोनों वैल्यूज के दरमियान में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे मैं 45 लिख दूं तो इस वैल्यू के बाद 40 से ये वाली नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो 1 2 3 4, और इधर वाली नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 आ जाएंगी, यानी नंबर ऑफ वैल्यूज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। तो इस केस में आपका जो मीडियन होगा वो 45 के। लेकिन हम अपने इसी डेटा सेट के साथ चल रहे हैं तो ये आपका डेटा सेट जो है वो ही आपको मीडियन की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग बता रहा है, तो दैट विल बी द 40 ऑफ दिस डेटा सेट। मॉड होता है आपके डेटा सेट में मौजूद ऐसी वैल्यू जो के रिपीट हो रही हो, और मॉड इज द रिपीटेड वैल्यू ऑफ डेटा सेट, रिपीटेड वैल्यू ऑफ डेटा सेट। अब यहां पे ये डेटा सेट है, इस डेटा सेट में 10 20 40 50 30 90 एंड 100, देयर इज नॉट अ सिंगल वैल्यू दैट रिपीटेड। इसके लिए हम क्या कहेंगे, इसका मॉड ऑफ डेटा, ये जो डेटा है इसका मॉड होगा 0। जीरो क्यों होगा, क्योंकि इसमें कोई भी वैल्यू जो है वो आपकी रिपीट नहीं हो रही। अगर तो किसी भी डेटा सेट में कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, इट मींस कि उसका मॉड 0 है।
लेकिन अगर मैं एक और डेटा सेट लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक डेटा लिखता हूँ, अब इसमें भी आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने डेटा को सीक्वेंस में लिखना है, फाइव टू टाइम, फोर वन टाइम, थ्री टू टाइम, टू थ्री टाइम्स एंड वन फोर टाइम, यानी कि ये फोर थ्री टू वन टू वन। अब यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ रिपीटेड वैल्यू कौन सी है, दिस वन। तो इस केस में आपका जो मॉड होगा वो, और अगर आपकी वैल्यूज यहाँ पे टू भी फोर टाइम आ रहा है, आपका मॉड टाई कर जाएगा, यानी कि अब ये दोनों वैल्यूज जो है वो मॉड में आनी चाहिए, तो इसलिए वन और टू आपका मॉड हो जाए। अब इम्प्यूटेशन के ये जो तीन मेथड है, मेन इम्प्यूटेशन, मीडियन इम्प्यूटेशन और मॉड इम्प्यूटेशन, इनको हम वन बाय वन देखते हैं, और हाउ टू रिप्लेस नल वैल्यूज ऑफ एच का जो वेरिएबल है उसको मीन। और अब आपके डेटा फ्रेम में जो हमने ओरिजिनल डेटा फ्रेम बनाया है उसमें आपने चेंजिंग करनी है और एज के कॉलम में नल वैल्यूज को फिल कर। उससे पहले हम ये करते हैं कि हम इस डी एफ को डी एफ वन के इक्वल रख लेते हैं, डी एफ को। इससे ये होगा कि जैसे ही मैं डी एफ वन को प्रिंट करवाऊंगा, एक तो मेरा ये डी एफ में सेम डेटा सेट आ जाएगा जो कि आपका यहाँ पे सबसे ऊपर डी एफ में है, और दूसरा आपका जो भी चेंजिंग करके अपडेटेड डेटा आएगा वो डी एफ वन में आएगा, और डी एफ जो है वो आपका सैंपल डेटा एज इट इज ही हमारे पास मौजूद रहेगा। तो अब आप उसमें भी चेंजिंग करके अपडेट कर सकते हैं, और आप सेम डेटा सेट को आप किसी और डेटा सेट के साथ रेफर करके आप उसमें भी चेंजिंग कर सकते हैं। अब इसको डी एफ वन हमने कह दिया। अब हम सबसे पहले चेक करेंगे डी एफ वन में जो एज वाला कॉलम है उसकी मिनिमम वैल्यू। तो हम लिखेंगे डी एफ में जो एज वाला कॉलम है उसकी मिनिमम वैल्यू हमें बता दे। तो ये हमें कहता है जी नंबर जो है वो नंपाई में है और फ्लोट नंबर है और 0.42 है। हम यहाँ पे उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं डी एफ वन एज वाले कॉलम की, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो फाइंड कर दें। ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई, इट मीन्स कि आपकी मैक्सिमम 80 और एज वाले कॉलम में जो मिनिमम है वो 0.42 जो है एज है। अब इसमें हम चेक करते हैं डी एफ वन के एज का को जो कॉलम है उसमें आपकी यूनिक वैल्यूज कौन सी हैं। यूनिक वैल्यूज के लिए मैं प्रिंट करवाता हूं तो ये मेरे पास नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज आ जाती हैं विद इन दी डेटा सेट। अब हम यहाँ पे डी एफ वन में चेंजिंग करते हैं जो के नल वैल्यूज हैं। किस तरीके से हम ये कहते हैं कि डीएफ की जो नल वैल्यूज हैं उसको हमने अपडेट करना है किसके साथ, जो आपकी वैल्यूज हैं एज के कॉलम में उनके मीन के साथ। हम यहाँ पे कहते हैं कि डीएफ वन में एज का कॉलम है उसकी नल वैल्यू को फिल कर दे, फिल एन ए किसके साथ, डीएफ वन के ही एज के कॉलम से मीन फाइंड करके उसके साथ। अब मैं मेन के बाद ये पेरेंथेसिस लगा के इसको एग्जीक्यूट करवाता हूं तो ये हमारी मेन की वैल्यूज आ जाती हैं। ओके डन। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे डी एफ वन प्रिंट करवाता हूँ, और डी एफ वन तो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, बट अगर मैं इसकी इस नल वैल्यू को चेक करता हूँ और इनका मैं सम देखता हूँ तो ये मुझे सम में फिर 177 दिखा रहा है, इसमें तो एवरेज नहीं आया। अब क्या करना है, अब एवरेज फाइंड करके हमने यहाँ पे कहना है कि मीन जो है इसके अकॉर्डिंग चेंजिंग कर दे, और उसके बाद आपका इसको कर दे इन प्लेस ट्रू। इन प्लेस ट्रू का क्या मतलब होगा, अब इन प्लेस ट्रू का मतलब ये है कि आपने डी एफ वन में चेंजिंग करवाई और चेंजिंग करवा के आपने इन प्लेस ट्रू कर दिया, तो आप इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट किया तो आपको रिजल्ट यहाँ नहीं नजर आया, लेकिन जैसे मैंने डी एफ वन को यहाँ पे इज नल सम करवाया आपका यहाँ पे जीरो आ गया है नल वैल्यू। इसका मतलब ये है, हम ये कंसीडर करते हैं और ये एक फैक्ट भी है कि पाइथन जो है अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ लाइन ऑफ कोड जो है आपकी आउटपुट रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे आपका यहाँ पे हमने इन प्लेस ट्रू नहीं लिखा था, आपकी ये चेंजिंग जस्ट विद इन दिस सेल जो थी वो हुई थी, लेकिन वो उसके नेक्स्ट जो लाइन ऑफ कोड हमने रन करना था उसमें चेंजिंग नहीं थी, लेकिन जैसे ही हमने इन प्लेस ट्रू करवाया इससे क्या हुआ कि आपकी जो चेंजिंग है डाउन दी सेल सारे सेल्स में वो ही चेंजिंग के बाद अपडेटेड डेटा ही मूव करेगा। तो
तो अब यहां पे हमारे पास ए एट के कॉलम में जो नल वैल्यूज हैं वो जीरो हो गई हैं। डी एफ वन को हम डी एफ टू के इक्वल रख लेते हैं ताकि अब जो हमारी चेंजिंग हो वो डी एफ टू में हो। डी एफ वन में एडजस्ट हमने चेंज किया ए मीन ऑफ एज के कॉलम की वैल्यूज को लेके, हमने जो नल वैल्यूज थी उसमें हमने फिक्स कर दी या रिप्लेस कर दी वैल्यूज। अब डी एफ टू में अगर यहां पर प्रिंट करवाऊं, दिस वन इज डी एफ टू, और DF2 को प्रिंट करवाने के बाद यहां पे मेरे पास वो डेटा आ गया जिसमें एज की वैल्यूज तो नल वैल्यूज फिक्स हो गई, लेकिन अब हमने इम्बार्क और इम्बार्क टाउन की वैल्यू यहां पे जो है फिक्स करनी है या रिप्लेस करनी है। यहां पे मैं लिख देता हूं हाउ टू डील विद इम्बार्क टाउन एंड वैल्यू ऑफ इम्बार्क कॉलम। अब मॉड क्या होता है, अब मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है, लेकिन मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू पहले हमने चेक करनी है कि आपके इम्बार्क्ड और इम्बार्क्ड टाउन में मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू क्या है। मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू हम चेक कैसे करते हैं, हम यहां पे लिखते हैं DF2 और विद इन दिस DF2 इम्बार्क्ड टाउन और इसमें नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज ये हम फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाता है कि यूनिक वैल्यूज इसमें 1, 2, 3 और एक एन एन है। इट मीन्स कि यहाँ पे ये एक सिटी है ये, और ये तीन सिटीज के नेम है और एक नल वैल्यू है। अब हमने इसकी जगह पे लगाना है। अब अगर हम देखें तो मॉड यहाँ पे मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पे तो इसमें तो कोई भी फ्रीक्वेंट वैल्यू मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू कोई भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे इसका मॉड क्या होगा, जीरो होगा। तो हमने उसके लिए यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देख लिया कि मॉड जीरो से हम फिल करेंगे, और उसके बाद डी एफ टू के इम्बार्क में, ये इम्बार्क्ड वाले में अब इसमें देखेंगे क्या है आपकी यूनिक वैल्यूज। यूनिक वैल्यूज हम देखेंगे तो यहाँ पे एस सी क्यू और एन एन है, ये आपके सिटीज के नेम है और ये यहाँ पे सिटीज नेम के फर्स्ट कैपिटल लेटर्स हैं। अब इनकी बेसिस पे हमें पता लग जाएगा कि इन दोनों में मॉड तो जीरो है। अब हम मॉड के अकॉर्डिंग जब हम इसको फिल करेंगे तो हम कहेंगे डी एफ टू के इम्बार्क्ड वाले कॉलम में या इम्बार्क टाउन वाले में फिल कर दे एन ए को इसके साथ डी एफ टू के जो इम्बार्क्ड टाउन वाला कॉलम है उसका मॉड ले मॉड के साथ, और मॉड आपका इसमें अगर जीरो ही है तो उससे फिल कर दे। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो ये हमारी वैल्यूज ऐसे आ जाती हैं। अब ये कहता है कि आपका डेटा सारे में फिल हो गया, लेकिन अगर मैं इसको अगेन एग्जीक्यूट करवाऊं डी एफ टू को, एग्जीक्यूट करवाने पे मेरे पास इम्बार्क्ड टाउन में जो है वैल्यूज फिर भी कोई ऐसी होगी जो कि अगर हम यहाँ पे देखें इम्बार्क में कोई वैल्यू नल होगी। ये कैसे हमें पता चलता है, हम यहाँ पे इज नल डॉट सम कर लेते हैं, इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो देखें इम्बार्क टाउन में अभी टू वैल्यूज आ रही हैं। हम इसको इधर कर देते हैं इन प्लेस, हम इसको कर देते हैं इन प्लेस ट्रू, इन प्लेस ट्रू करवाया तो अब आपके पास यहां पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब यहां पे इन प्लेस ट्रू करवाने के बाद इस सेल में एग्जीक्यूट नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही हमने इज नल सम वाले को एग्जीक्यूट करवाया तो यहां पे इम्बार्क टाउन वाली वैल्यू जीरो हो गई। इसी तरीके से हम इसी को फॉलो करते हुए इम्बार्क्ड को चेक करता हूं तो डी एफ टू इम्बार्क्ड का कॉलम है, इस कॉलम की नल वैल्यू को फिल कर दे, फिल एन ए, फिल किसके साथ करना है डी एफ टू का कॉलम ले इम्बार्क्ड वाला और इसका ले मॉड, और मॉड लेके जीरो वाला जो मॉड है इससे फिल कर दे। और यहां पे एक ब्रैकेट डिलीट हो गई, इसको हमने ऐड कर दिया, और मैं इसको साथ ही इन प्लेस ट्रू भी करवा देता हूं, इन प्लेस ट्रू इसको एग्जीक्यूट करता हूं, और उसके बाद मैं यहां पे डी एफ टू डॉट इज नल डॉट सम इसको एग्जीक्यूट करवाता हूं तो ये मेरे पास सारी वैल्यूज अदर देन डेक जो है वो आपकी जीरो हो जाती है। इट मींस कि आपने नल वैल्यूज को
क्लीन कर दिया है। अब हमने ड्रॉप करना है डेक वाला कॉलम, तो कैसे करेंगे, ड्रॉपिंग कॉलम। अब ड्रॉप करना है कॉलम तो हम उसके लिए कमांड देंगे, लेकिन कमांड से पहले मैं इस df2 को इक्वल कर लेता हूं df3 के। df2 को मैंने df3 के इक्वल कर लिया। अब यहां पे मैं एग्जीक्यूट करवाता हूं df3 को, और df3 को एग्जीक्यूट करवाने के बाद यहां पे अगर आप देखें तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स कितने हैं, 891 रोज एंड 15 कॉलम्स, इसको आपने याद कर लेना है। अब यहां पे मैं कहता हूं कि df3 का ड्रॉप करना है आपने कोई एलिमेंट। अब ड्रॉप क्या करना है, इसमें हमने लिख देना है कॉलम डेक वाला, और इसको मैं एग्जीक्यूट करवाता हूं। अगर आप देखें तो यहां पे आपके पास इस सेल में ये डेक वाला कॉलम जो है वो इन बिटवीन एडल्ट मेल एंड एम्बार्क टाउन है, लेकिन यहां पे एडल्ट मेल और एम्बार्क टाउन में डेक वाला कॉलम रिमूव हो गया। लेकिन अगर मैं यहां पे अब देखूं df p डॉट इज नल, डॉट सम कर दूं और इसको एग्जीक्यूट करवाऊं, तो मेरे पास तो अभी डेक वाला कॉलम आ रहा है। अगेन इन प्लेस ट्रू करेंगे, इन प्लेस ट्रू, इसको मैं एग्जीक्यूट करवाता हूं, और एग्जीक्यूट करवाने पे इसको दोबारा एग्जीक्यूट करवाता हूं, तो अब हमारा डेक वाला कॉलम भी, अब हमारा डेक वाला कॉलम भी रिमूव हो गया। इट मींस हमने डेटा क्लीनिंग के प्रोसेस को देख लिया है और डेटा अब हमारा क्लीन है, डेटा विजुअलाइजेशन अब हम कर सकते हैं। अब हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है डेटा विजुअलाइजेशन, और डेटा विजुअलाइजेशन में सबसे पहले जो df है, यहां पे मैं कमांड देता हूं sns डॉट हीट मैप। हीट मैप बनाना है किसका, df की इस नल वैल्यूज का। अब यहां पे मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूं, अनऑल करते हैं, तो ये हमारा हीट मैप आ जाता है इस नल वैल्यू का जो के आपके df में है, ओरिजिनल डेटा फ्रेम में है। अब इसमें अगर आप ये कलर गाइड देखें तो इसमें जीरो से स्टार्ट होके वन तक जा रही है, और जीरो जो है इट मींस के नॉन नल वैल्यू, माइनर नल वैल्यूज यहां पे भी, यहां पे भी, और इधर आके वन का मतलब कि एक नल वैल्यू है, कोई नल वैल्यू है। अब नल वैल्यूज के लिए वाइट कलर है, जहां जहां वो नल वैल्यूज को डिनोट कर रहा है, इट मींस के एज में जो नल वैल्यूज थी वो एम्बार्क में और एम्बार्क टाउन में और डेक में ये नल वैल्यूज को शो कर रहा है। दिस वन इज df3। अब अगर मैं कह रहा हूं df3 इसका हीट मैप बनाना है, तो इसके लिए मैं यहां पे कहता हूं sns डॉट हीट मैप, और हीट मैप किसका बनाना है, df3 का, और इसकी इज नल वैल्यूज का। इसको मैं एग्जीक्यूट करवाऊं, अब ये मेरे पास आ रहा है प्लेन पिंक कलर में, क्यों, इसके लिए हम ये कलर गाइड देखते हैं, तो यहां पे माइनस 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 में नंबर, और ये जीरो, यानी कि नथिंग इज नल इन दिस डेटा सेट, और ये आपकी नल वैल्यूज को बता रहा है कि कौन सी है, माइनस में है या पॉजिटिव में है। अब यहां पे ये पिंक को शो कर रहा है, इट मींस कि इस डेटा सेट में कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो कि नल हो। तो इससे हमें ये पता लग गया है कि हमारा डेटा बिल्कुल क्लीन है, और डेटा विजुअलाइजेशन से हमें आसानी से मिल जाएंगी जो आपकी इनसाइट्स आप देखना चाहते हैं। अब अगर मैं यहां पे कहूं एसएनएस हमें काउंट प्लॉट दे, और इसमें डेटा जो हो वो आपने अपडेटेड लेना है जो कि df3 का है, और एक्स एक्सिस पे मुझे दे दे सर्वाइव्ड का डेटा। इसको मैं एग्जीक्यूट करवाता हूं, तो ये हमारा डेटा शो करवा देता है इस तरीके से, काउंट करके एक्स एक्सिस पे सर्वाइव आ जाता है, और वाई एक्सिस पे हमारे पास नंबर ऑफ काउंट आ जाते हैं जो कि हमने काउंट प्लॉट का कहा था। अब इसके अकॉर्डिंग ये हमें शो होता है कि जीरो और वन जो है सर्वाइव्ड को शो करते हैं, और ये कैटेगोरिकल डेटा है, जीरो मींस जो सर्वाइव नहीं कर सके, और वन मींस जिन्होंने सर्वाइव किया उस एक्सीडेंट के बाद, और ये नंबर ऑफ काउंट है। इससे हमें ये तो पता लग गया कि सर्वाइव जिन्होंने किया था वो जो डेटा सेट था df3 के अकॉर्डिंग वो ये आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसी काउंट प्लॉट में इसको मैं कॉपी करूं
और यहां पे मैं एक और चीज ऐड कर दूं, और वो चीज मैं यहां पे ऐड कर दूं अगर ह्यू को, और ह्यू में लिख दूं टेक्स्ट, टेक्स्ट बेस आप ह्यू जो है उसको डिफरेंशिएट कर दें। इसके अकॉर्डिंग आया हमारा डेटा सर्वाइव्ड का है, लेकिन इसमें मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट नहीं किया था। इस ग्रुप में ये जो आपका डेटा सेट है जिसको हमने विजुलाइज के लिए कमांड दी है, ह्यू का हमें कमांड देने के बाद, आर्ग्यूमेंट देने के बाद हमारा जो ग्राफ है वो इस तरीके से शो होगा, जिसमें ब्लू वाला बार आपकी मेल जो नॉट सर्वाइव्ड है उनको शो करेगा, एंड जीरो के साथ ऑरेंज वाला फीमेल्स को, वन के साथ ब्लू वाला मेल्स को, और फीमेल्स को ऑरेंज वाला रिप्रेजेंट करेगा। इससे हमें ये पता चलता है कितने मेल और फीमेल्स थे जिन्होंने सर्वाइव नहीं किया, और कितने मेल और फीमेल थे जिन्होंने सर्वाइव किया। यहाँ पे अब हम बार प्लॉट बनाते हैं, तो बार प्लॉट में हम कहते हैं SNS डॉट बार प्लॉट बना दें, जिसमें डेटा आपका DF3 का ही हो, और एक्स एक्सिस पे आपका आ जाए सर्वाइव्ड। इसको एग्जीक्यूट करवाता हूं तो मेरा डेटा इस तरीके से आ जाता है, एक्स एक्सिस पे सर्वाइव्ड, और अगर मैं इसको वाई एक्सिस पे कर देता हूं तो ये हमारा इस तरीके से आ जाता है सर्वाइव्ड का। ये है सर्वाइव के अकॉर्डिंग बार प्लॉट। लेकिन अगर मैं इसमें ये कह देता हूं एक्स एक्सिस पे सर्वाइव्ड है और वाई एक्सिस पे हमारे पास, वाई एक्सिस पे आ जाए एज, इसको एग्जीक्यूट करवाने पे हमारा जो ग्राफ है वो एज और सर्वाइव्ड के अकॉर्डिंग आ गया है, लेकिन एज भी डिफरेंट थी। तो इसके लिए मैं यहां पे कह देता हूं ह्यू ले आपका टू से रिलेटेड। अब ये हु क्या है, हु आपका रिप्रेजेंट करता है यहां पे मैन, चाइल्ड और वुमेन को। ब्लू वाले मैन है, ऑरेंज वाले चाइल्ड हैं, और ग्रीन वाले इसमें वुमेन को डिनोट करते हैं। सो ये जो आपका 3 बार्स का सेट है वो नॉट सर्वाइव्ड का है, और ये आपका सर्वाइव्ड का सेट है। अब हम ऐसे ही बार प्लॉट एक और बनाते हैं, जिसमें अब हम कंपेरिजन करते हैं वाई एक्सिस पे पेयर को। इसको हम अगर इसको देखें तो ये हमारा फेयर के अगेंस्ट और ह्यू को यूज करते हुए, और ह्यू में हु को यूज किया है, आपकी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है जिसमें सर्वाइव्ड और नॉट सर्वाइव्ड वाले का डेटा है और फेयर बताया गया है। अगर आप इस डेटा से इनसाइड देखें तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है, आपको रिजल्ट ये मिलेगा कि जो आपके नॉट सर्वाइवल वाले हैं उनकी जो नंबर ऑफ काउंट है वो कम है, और जिन्होंने सर्वाइव किया है वो नंबर काउंट ज्यादा है। और किसके रिलेटेड ज्यादा है, फेयर से रिलेटेड। अब फेयर ज्यादा किस हिसाब में होता है, वो होता है पैसेंजर क्लास के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं इसको फेयर को ह्यू की जगह पे पी क्लास लिख दूं, अब इसको मैं यहां पे फेयर को ह्यू से रिलेट करता हूं, और ह्यू में मैं यहां पे ऐड कर देता हूं पी क्लास। अब पैसेंजर क्लास के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको देखूं तो यहां पे पैसेंजर क्लास मुझे जो नजर आती है वो लाइट कलर जो है वो 1 को शो करता है, मींस फर्स्ट क्लास, 2 मींस मिडिल क्लास, एंड 3rd मीन लोअर मिडिल क्लास या इकोनॉमी क्लास। अब मैं यहां पे कहता हूं जी SNS डॉट हिस्ट प्लॉट बना के दे मुझे, जिसको हम हिस्टोग्राम भी कहते हैं। इससे रिलेटेड डेटा आपका DFE आए, DF3 का, और आपने यहां पे एक्स एक्सिस पे क्या प्लेस करना है, एक्स एक्सिस पे अगर मैं एज प्लेस कर दूं तो ये मेरा हिस्ट प्लॉट आ जाता है, हिस्टोग्राम आ जाता है। हिस्टोग्राम क्या होता है, आपकी बार से रिलेटेड आपके डेटा को शो कर देता है। अब ये आपकी बार्स को शो कर रहा है। अब यहां पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास 0 से लेके 80 तक जो डेटा है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 एंड 27 एंड दिस वन इज 28 28 बार्स हैं। अब ये बार्स मैंने क्यों काउंट की हैं ये मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं। अब इधर हमने डेटा जो दिया है सेम डेटा मैं इधर लिखता हूं, लेकिन इसमें मैं कह देता हूं कि बिन्स जो हैं इसको इक्वल कर दे 5 के, और इसको मैं एग्जीक्यूट करवाता हूं। डेटा आपका वही शो हो रहा है, लेकिन जहां पे आपकी बार्स 20+ थी, यहां पे आपकी बार्स जो हैं वो एज 0 से 80 तक की है, बट बार्स आपकी 5 हो गई है।
अब बेंज फाइव करने का क्या मतलब है? बेंज फाइव करने का मतलब ये है कि आपकी फाइव नंबर ऑफ बार्स को एक बार में एडजस्ट करके हमें उनका एवरेज डेटा एक सिंगल बार में बता दे। इसका मतलब यहां पे 0 से 10 तक और 10 से आगे ये 5 बार्स जो हैं इनको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके हमें डेटा 0 से लेके 10 के बाद आप कह लें 12 या 14 15 तक उन्होंने एक बार दे दी। तो यहाँ पे 0 से लेके ये 15 तक हमारी एक बार आ गई और 5 बार्स जो थी इस वाले बार प्लॉट में उनको कंबाइन करके इस एक बार में उन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया। तो बेंस का ये काम होता है कि आपके नंबर ऑफ बार्स को एग्रीगेट करके और उनका एवरेज फाइंड करके उस एवरेज के इक्वल आपको एक बार में डेटा रिप्रेजेंट कर देती है। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे सेम डेटा ले रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि बिन्स जो हैं वो 5 कर दें और बिन्स के अकॉर्डिंग कलर्स जो है कलर को इक्वल कर दें आप ग्रे के, और इसमें अल्फा में एक और ऑप्शन ऐड करता हूं जिसको आप इक्वल कर दें 0.5 के, और इसको मैं जो है इधर ब्रैकेट गलत जगह पे है इसको यहां से रिमूव करके मैं इधर ब्रैकेट लगा देता हूं और इसको मैं एग्जीक्यूट। अब अगर आप देखें तो ये आपका ग्रे कलर में ये डेटा आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसका कलर कर दूं ग्रीन, इसको एग्जीक्यूट करवाऊं तो ये आ रहा है रिजल्ट। अब अगर आप देखें तो यहां पे अल्फा मैंने 0.5 लिखा है, कलर ग्रीन लिखा है, बेंस 5 है और एज का डेटा है DF3 से और हिस्टो प्लॉट बनाया है। अब इसमें कलर का भी आपको पता लग जाएगा कि कलर क्या है, बार कलर है, बेंस 5 है, एज आपका डेटा है जिसको एक्स एक्सिस पे प्लेस करके ये बार्स बनाई गई है, बार हिस्टो प्लॉट बनाया गया है, हिस्ट प्लॉट बनाया गया है। अब यहां पे अल्फा का क्या मतलब है? अल्फा मींस, अल्फा इज इक्वल टू ट्रांसपेरेंसी या जिसको आप कह दें ओपेसिटी, कि आपके ग्राफ की ओपेसिटी को शो करता है और इसकी रेंज होती है 0 से 1 तक। आप 0 से 1 तक जो नंबर्स हैं उनके अकॉर्डिंग इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है शो करवा सकते हैं। अगर मैं 0.1 कहता हूं तो द आउटपुट विल बी लाइट कलर्स, और अगर मैं यहाँ पे 0.8 कर दूँ तो ग्रीन हो जाएगा, बट जैसे ही मैं इसको 1 करता हूँ मेरे पास इसका डेटा जो है वो डार्क ग्रीन कलर में आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये हिस्टो प्लॉट जो है वो आप ओपेसिटी दे के उसको शो करवा सकते हैं। इसमें अल्फा को हम यूज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि DF3 की एज का जो कॉलम है उसको यूज करें और इससे बनाएं हिस्ट यानी हिस्टोग्राम, और हिस्टोग्राम में इसमें बिन्स कितनी हो, बिन्स हम कह देते हैं 5 हो, और कलर आपका हो डार्क रेड, फिगर साइज आपका होना चाहिए यहां पे मैं कह देता हूं 5x5 का, और अल्फा यहां पे मैं कह देता हूं ओपेसिटी आपकी होनी चाहिए 0.6। इसको एग्जीक्यूट करवाता हूं। अब यहां पे जो एरर आ रहा है वो एरर यहां पे हमें देखने में ये आ रहा है कि एट्रीब्यूट एरर है, रेक्टेंगल डॉट सेट में आपका गॉट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट कलर। अब ये कलर का आर्ग्यूमेंट दे रहा है कि गलत आ रहा है, हमें उसने आउटपुट दे दी है बट कलर हमारा आपको कह रहा है कि आर्ग्यूमेंट नहीं सही, कलर के स्पेलिंग हमने यहाँ पे लिखने हैं POLOR, और इसको हम बिन को यहाँ पे अब बढ़ा देते हैं क्योंकि हमारा जो आर्ग्यूमेंट है उस अकॉर्डिंग एज का नंबर ऑफ ग्रुप्स ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखिए हमने बिन्स बढ़ाई और कलर चेंज कर दिया तो हमारा ये यहाँ पे डेटा जो है आउटपुट दे रहा है 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 70 और 80 तक, और यहाँ पे आपकी ओपेसिटी जो है वो ग्रिड्स के साथ शो हो रही है, और ग्रिड्स में अब यहाँ पे ग्रिड लाइन के साथ ये आपका ग्राफ शो हो रहा है, आपकी ओपेसिटी जो है यहाँ पे 0.6 के अकॉर्डिंग आ रही है। अब अगर मैं इसको 0.8 कर देता हूँ तो ये आपकी ओपेसिटी बढ़ जाती है, और जिसका मतलब ये है कि आप ओपेसिटी को अपडेट करते हुए अपने डेटा में जो वैल्यूज हैं वो काउंट कर सकते हैं और एक्यूरेट वैल्यूज आप इन ग्रिड लाइंस को यूज करते हुए इजिली कैलकुलेट
कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बॉक्स प्लॉट बनाते हैं, इसको कहते हैं कि एसएनएस में बॉक्स प्लॉट बना दे। और बॉक्स प्लॉट कैसे बनाना है, डेटा आपका ले DF3 का ही, और एक्स एक्सिस पे हम कहते हैं कि एज रख दे। एज के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका इस तरीके से आ जाता है ग्राफ, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमने बॉक्स प्लॉट बनाया है। अगर मैं इसको वाई एक्सिस पे कर दूं, इधर एक्स एक्सिस की जगह पे इसको मैं वाई एक्सिस पे कर दूं, आपका प्लॉट इस तरीके से आ जाता है। अब इस प्लॉट में आपके पास आउटलायर फाइंड करने के लिए इजी रेफरेंस है कि आप डेटा में से आउटलायर कैसे फाइंड करते हैं। उसके लिए हम पहले देखते हैं कि आपका बॉक्स प्लॉट में ये जो लाइंस हैं ये क्या हैं, और बॉक्स क्या कहलाता है, बॉक्स के अंदर ये लाइन क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आपका बॉक्स प्लॉट के जरिए से हम आउटलायर कैसे फाइंड करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि आपका एक बॉक्स प्लॉट जो है उसमें IQR क्या होता है और आउटलायर हम कैसे फाइंड करते हैं। इसके लिए हमें एक डेटा सेट क्रिएट करना है। मैं यहाँ पे एक डेटा सेट बना लेता हूँ जिसको मैं कह देता हूँ जी डेटा है आपका कोई भी, जिसमें वैल्यूज हैं 4, 5, 7, 9, 2, 3, 6, 10, 12, 14, 13, 8 and 20। अब इस डेटा सेट के अकॉर्डिंग आपने आउटलायर भी फाइंड करना है और IQR भी फाइंड करना है, बॉक्स प्लॉट भी बनाना है। इसके लिए फर्स्ट स्टेप हमारा जो होगा वो ये होगा कि आपने डेटा को सीक्वेंस में लेके आना, अरेंजमेंट ऑफ डेटा। अरेंज हमने कैसे करना है, सीक्वेंस में करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर देखें, 4, 2, 2 is the smallest number, 2, 3, 4, 5, 5 के बाद 6, 7, 8, 8, 9, 10 and 12, 13, 14, यहाँ पे हम 20 लिख देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ओके। हमारी नंबर ऑफ वैल्यू काउंट जो है वो सेम है। तो यहाँ पे अब हमने स्टेप टू जो है फाइंड करना है मीडियन इस डेटा सेट का। अब इसी डेटा सेट की मीडियन फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, इसमें एक वैल्यू इधर से कट कर दिए, किधर से, this one with this, this value with this, and the last value is known as median of this data set. और इस median की वजह से एक data set हमारा ये हो गया और एक data set ये हो गया, और इन दोनों में number of values जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, number of values 6 हैं दोनों की, इधर भी number of values 6 हैं। जो मीडियन होता है आपका वो कहलाया जाता है Q2। Q2 क्या है वो मैं बताता हूं आपको, और इसको हम बोलते हैं Q2 को सेकेंड क्वार्टाइल। फिर इसका मीडियन फाइंड करेंगे, ये जो आपकी रेंज है इसका मीडियन फाइंड करने के लिए मैं इस डेटा सेट को यहां पे पेस्ट कर लेता हूं। अब हमारा जो मीडियन है वो है 8, जिसको हम Q2 कह रहे हैं। अब इन वैल्यूज को हम देखते हैं, इधर वाली वैल्यूज का मीडियन फाइंड करते हैं, ये इससे गया, ये इससे गया, और ये दो वैल्यूज बच गई। अब अगर आपकी ऐसे दो वैल्यूज बच जाएं तो आपने इनका फाइंड करना है मीन या एवरेज। एवरेज फाइंड करना है तो 4 + 5 / 2, ये आ गया आपका 5 + 4 = 9/2, और ये आपकी वैल्यू यहां पे आ गई 4.24 are 8 and 5, ये आपकी वैल्यू आ गई 4.5 की। ये जो 4.5 है ये आपका Q1 कहलाएगा। इस वाली साइड का जो है मीडियन फाइंड करते हैं तो ये आ जाएगा 9.20 से गया, 10.14 से गया। अब इन दोनों को प्लस करें तो इसका हम जो एवरेज फाइंड करते हैं, एवरेज फाइंड करने के बाद यहां पे हमारे पास आ जाएगा इन दोनों का एवरेज 12 + 13 / 2। 12 + 13 / 2 आ जाएगा हमारे पास 3 × 5, 1 और 1, 2, ये आ जाएगा 25/2। और इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाता है 2 12s are 24 and 12.5 हमारा आंसर आ जाएगा, और ये 12.5 आपका कंसीडर किया जाएगा Q3 को।
अब ये Q1, Q2, Q3 क्या है, मैं ये डिस्कस कर चुका हूं कि इफ यू कंसीडर आर डेटा लाइक दिस एंड डिवाइड दिस डेटा इनटू फोर इक्वल पार्ट्स, यहां पे आपका ये डेटा जो है पूरे का पूरा डेटा है और इसको हमने ये फोर पार्ट्स जो किए हैं, इस पूरे के पूरे पार्ट को हम बोलते हैं क्वार्टर। और क्वार्टर को अगर हम सब डिवाइड करें 1, 2, 3, 4 पार्ट्स में, तो इनको हम बोलते हैं क्वार्टाइल। ईच ऑफ दी स्पेसिफिक पार्ट विल बी कंसीडर्ड एज अ सिंगल क्वार्टाइल। इट मींस के फोर क्वार्टाइल्स विल मेक अ क्वार्टर। अब इसमें जो डेटा है वो 25% ऑफ 100% है, इसमें भी 25% ऑफ 100%, 25% ऑफ 100%, एंड दिस वन विल आल्सो कंटेन 25% ऑफ 100% डेटा। और अगर मैं इन 425% को डेटा को कलेक्ट करूं तो ये मेरे पास टोटल 100% ऑफ डेटा बनता है। ओके, तो इसका ये स्टार्ट पॉइंट है और ये आपका पॉइंट जो है वो कहलाता है Q1, जहां पे आके 25% डेटा कंप्लीट हो गया। दिस वन इज Q2 सेकेंड क्वार्टाइल, दिस पॉइंट इज Q3 दैट इज थर्ड क्वार्टाइल, एंड दिस पॉइंट विल बी कंसीडर्ड एज Q4 एंड दिस वन इज फोर्थ क्वार्टाइल। अब इसी के अकॉर्डिंग हमने ये डेटा सेट था, इसमें जो वैल्यूज फाइंड कर ली हैं वो ये हैं। एक मीडियन की वैल्यू है, दैट इज Q, मीडियन की वैल्यू दैट इज Q2, और ये वैल्यू है आपकी 8 के इक्वल। उसके बाद हमने फाइंड किया है फर्स्ट क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू आ गई Q1, और ये Q1 जो है वो किसके इक्वल है, ये हमारे पास वैल्यू है 4.5 के इक्वल। और इसके बाद हमारे पास Q, जिसको हम थर्ड क्वार्टाइल कह देंगे, थर्ड क्वार्टाइल इज इक्वल टू Q3, और Q3 की वैल्यू जो है वो है 12.5। अब हमारे पास ये डेटा आ गया। अब अगर हम इस डेटा को कंसीडर करते हुए देखें तो आपके पास Q1, 2 और 3 आ गया है। अब Q1, 2 और Q3 इनको यूज करते हुए हम बॉक्स प्लॉट बनाएं तो यहां पे हमारे पास ये हमें पता चलता है कि ये जो आपका है डेटा सेट, इसमें आपका जो IQR है वो किसके इक्वल होता है। IQR बेसिकली होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। और ये कैसे फाइंड किया जाता है, IQR फाइंड किया जाता है Q3 में से अगर हम Q1 को माइनस करते हैं, यानी कि थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू में से अगर हम क्वार्टाइल फर्स्ट की वैल्यू को माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाता है IQR। Q3 इज 12.5 एंड Q1 इज 4.5। अब यहां पे ये वैल्यू आ गई 4.5। अब Q3 माइनस Q1 किया तो हमारे पास यहां पे क्या आ गया, 8.0, यानी कि 8 आ गया। अब ये 8 वैल्यू आ गई हमारे पास। इट मींस कि आपका IQR जो है वो आपका 8 के इक्वल है। अब ये जो वैल्यूज हम फाइंड कर रहे हैं, ये वैल्यूज अब हमारे काम आएंगी। तो इन वैल्यूज को यूज करते हुए अब हमने IQR और ये हमने क्वार्टाइल्स फाइंड कर लिए। इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास ये जो वैल्यूज आ गई हैं, अभी हमारे पास Q1, Q2 और Q3 की वैल्यू आई है और IQR की आई है। अब Q4 की वैल्यू क्या है, Q4 जो है आपका मैक्सिमम वैल्यू होती है डेटा सेट की। अब ये है हमारा डेटा सेट जिसको हमने सीक्वेंस में किया है। इस डेटा सेट में ये वाली जो वैल्यू है, दिस वन इज योर मिनिमम वैल्यू, दिस वन इज योर मैक्सिमम वैल्यू। अब अगर ये मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट होके आपका Q1, Q2 और Q3 तक हम वैल्यू लेके आए हैं, तो यहां पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो आपकी Q4 में आएगी। तो Q4 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू के अकॉर्डिंग आपका 20 के इक्वल होगा, 20 के इक्वल। तो अब हमारे पास बॉक्स प्लॉट बनाने के लिए डेटा आ गया है। अब हम यहां पे बनाते हैं बॉक्स प्लॉट।
बॉक्स प्लॉट बनाने के लिए यहां पे हम इस तरीके से एक बॉक्स बना देते हैं, और बॉक्स के दरमियान वाली लाइन जो होती है हमें पता है कि ये मीडियन की होती है और Q2 की होती है। सो यहां पे वैल्यू आएगी Q2 की, जो कि इक्वल है हमारा Q2 यहां पे 8 के इक्वल है, यहां पे आ जाएगी Q2 8 के इक्वल, Q1 जो है यहां आ जाएगी, और Q1 जो है वो हमारे पास है 4.5 के इक्वल। इसके बाद यहां पे हमारे पास आ जाएगी Q3 की वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 12.5, और उसके बाद यहां पे हमारे पास उस इस तरीके से लाइंस लगी होती हैं। इन लाइंस को हम बोलते हैं विस्कर्स, ये दोनों लाइंस विस्कर्स कहलाती हैं। अब विस्कर्स हमारे पास आ गए, अब विस्कर्स में यहां पे आपकी जो वैल्यू आएगी ये आपकी मिनिमम वैल्यू आएगी, इट मींस 2, और ये आपकी आएगी मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 20, और 4.5 जो है दिस इज योर Q1 एंड दिस वन इज Q3 एंड दिस वन इज योर Q4 एंड दिस वन इज योर मिनिमम वैल्यू। नाउ हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन आउटलायर। आउटलायर आप ये कह सकते हैं कि आपकी वो वैल्यू होती है जो कि आपके डेटा से दूर दूर तक वैल्यू हो, इन कॉमन वर्ड्स। बट एक जो मेथड है आई क्यू आर के अकॉर्डिंग डेटा को फाइंड करने का, जो आउटलायर का डेटा है उसके अकॉर्डिंग, पहले आप ये देखें कि आई क्यू आर जो इंटर क्वार्टाइल रेंज है वो बेसिकली हमने कहा कि क्यू थ्री से क्यू वन हमने जो है सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारी बॉक्स में जो वैल्यूज आ रही हैं वो सारी रेंज को डिस्कस करता है। इट मींस के आई क्यू आर जो है वो आपका क्यू वन से क्यू थ्री, क्यू वन के जो पॉइंट है वहां से क्यू थ्री के पॉइंट तक का जो डेटा होगा वो आपका बॉक्स में जो आएगा और जिसमें मीडियन की वैल्यू होगी वो आपका डेटा होगा। तो आई क्यू आर आपका ये यहां से यहां तक आ जाएगा डेटा, दिस वन, ये जो मैंने लिख दिया है जिसको हम कहते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब इंटर क्वार्टाइल रेंज भी हमारे पास आ गई। अब ये इंटर क्वार्टाइल रेंज किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। अब यहां पे हम ये फाइंड करते हैं कि आपका जो आउटलायर है वो किसके इक्वल होता है। इसके लिए एक फार्मूला है, आउटलायर आपका होता है क्यू वन में से मल्टीप्लाई करके 1.5 के साथ, माइनस कर दें अगर आप आई क्यू आर को, 1.5 मल्टीप्लाई बाय आई क्यू आर, और क्यू थ्री में प्लस कर दें आप 1.5 को मल्टीप्लाई करके आई क्यू आर के साथ। अब वैल्यूज पुट करते हैं, Q1 की वैल्यू है हमारे पास 4.5 माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाय आई क्यू आर की वैल्यू है हमारे पास 8, ये है हमारे पास आई क्यू आर की वैल्यू। अब 8 आ गई वैल्यू तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 8, और सेकंड जो है थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू दैट इज 12.5, और इसको मैं प्लस कर देता हूं 1.5 के साथ 8 को मल्टीप्लाई करके, 4.5 माइनस 12 और 12.5 प्लस 12। अब ये जो आपकी वैल्यूज आएंगी 4.5 माइनस 12 अगर मैं करूं माइनस 7.5 24.5। अब इससे हमें ये पता लगता है कि आपके आउटलायर की रेंज जो है वो माइनस 7.5 से 24.5 तक है। अब इसका मतलब ये है कि यहां से अगर हम बैक चले जाएं तो इधर माइनस 7.5 जो पॉइंट आएगा वहां से बियॉन्ड, और इधर से हम 20 से 24.5 तक जाएं, इस पॉइंट से जो बियॉन्ड वैल्यू आएगी वो आपकी आउटलायर कंसीडर की, और इधर भी आउटलायर कंसीडर की। तो ये मेथड है जिसके अकॉर्डिंग आप आई क्यू आर और उससे रिलेटेड आउटलायर फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपको डेटा पॉइंट्स ना दिए गए हों लेकिन आपको इस तरीके से एक बॉक्स प्लॉट दे दिया जाए तो उससे आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो मीडियम लाइन होगी दैट विल बी कंसीडर्ड एज मीडियन, ये आपका Q1, ये आपका Q2 भी हो जाएगा, दिस वन इज Q3, दीज आर द विस्कर्स, ये मिनिमम वैल्यू, दिस वन इज मैक्सिमम वैल्यू, एंड द होल रेंज विल बी कंसीडर्ड एज बिटवीन दीज बॉक्स एज IQR, IQR के बाद आप यहां से इन वैल्यूज को फाइंड करते हुए आउटलायर जो है वो देख सकते हैं। तो
उस डेटा के अकॉर्डिंग हमें ये पता लग जाता है कि बॉक्स प्लॉट में ये वाली हमारी लाइन जो है ये मीडियन की है, और ये हमारा मीडियन ही हमारा जो है सेकंड क्वार्टाइल भी हो जाता है इन सम केसेस। और इस लाइन को हम कह देते हैं कि ये मीडियन है, और ये इसका क्वार्टाइल टू भी है, और दिस वन इज फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, और ये विस्कर कि ये फोर्थ क्वार्टाइल को शो करता है, और यहाँ पे ये जो है ये मिनिमम वैल्यू को शो करता है। इसका आउटलायर कैसे फाइंड करेंगे, हम इंटर क्वार्टाइल रेंज को 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करके Q1 है उसमें से हम माइनस कर देंगे उस डेटा को, और Q3 में हम उसको प्लस कर देंगे, तो आपकी आउटलायर रेंज नेगेटिव साइड में जो पॉइंट्स हैं उनमें आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे एक पेयर प्लॉट ही बना लूँ, SNS को मैं कहता हूँ कि पेयर प्लॉट बनाए, और पेयर प्लॉट किसका बनाना है, DF3 का, तो ये थोड़ा टाइम लेगा, और टाइम लेने के बाद आपके पास DF3 के तमाम वेरिएबल्स का एक दूसरे के साथ रिलेट करते हुए पेयर प्लॉट्स के अकॉर्डिंग आपका आउटपुट में डेटा आ जाएगा। अब ये डेटा अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास हर एक स्पेसिफिक वेरिएबल का जो कि कॉलम है उसका डिफरेंट दूसरे वेरिएबल्स के साथ वन बाय वन जो है ग्राफ बना के रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस तरीके से हम यहां पे अगर ह्यू में ऐड कर दें, ऐड कर देते हैं हम सर्वाइव्ड, और इसको मैं अब प्रेजेंट करता हूं, तो ये हमारा डेटा कैसे शो होता है, टाइम लेगा थोड़ा सा, और आपका डेटा सर्वाइव्ड के अकॉर्डिंग डबल कलर में अब ऐसे शो कर देगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्वाइव्ड का ये जो आपका क्यू का कॉलम है वो ये शो करता है कि जीरो जो है वो ब्लू को शो करता है, और वन जो है ऑरेंज से शो किया गया है। इट मीन्स कि जीरो मीन्स नॉट सर्वाइव, और ऑरेंज मीन्स जिन्होंने सर्वाइव किया है। आप इस क्यू को ऐड करके अपने डेटा को अच्छे तरीके से इनसाइट्स को देख सकते हैं, और डेटा को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं, और डेटा से डिफरेंट प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द ईडी एनालिसिस, कैसे हम स्टार्ट करते हैं लाइब्रेरीज इंपोर्ट करने से लेके डेटा को विजुअलाइज करके अपने प्लॉटिंग बना करके उसको किस तरीके से हम प्रिडिक्शंस के लिए यूज करते हैं, और डेटा को एनालाइज करके हम रिजल्ट्स जो है आउटपुट के तौर पे प्रेजेंट करते हैं।